नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। आज 1 मार्च है और 3 मार्च को पहले से ही आदेश दिया गया था, आप लोग को जानकारी होगी, निर्भया रेप केस कांड का, जिसमें 4 दोषियों को सजा मिलनी थी और 3 तारीख मुकर्रर की गई थी कि 3 तारीख को सुबह 6 बजे उनको फांसी दी जानी है। और अभी क्या है कि ये संभवतया मुझे लग रहा है ये मामला टल जाएगा, 3 तारीख को फांसी ना हो करके सुनवाई का मामला चल रहा है 5 तारीख को, और इसके बाद पता नहीं कब होगा। हो सकता है फांसी हो भी, फांसी ना भी हो, क्योंकि अभी जो याचिका दायर हो रही है उसमें पवन गुप्ता भी ये कह रहे हैं कि मैं उस वक्त, जिस समय ये 7 वर्ष की बात हो गई, उस वक्त हम नाबालिग थे। तो ये याचिका अपना एक क्षमा याचिका दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि मुझे उम्र कैद का कारावास दिया जाए और फांसी के सजा से मुझे मुक्त किया जाए। तो इस तरह का वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी है और निचली अदालत से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 3 तारीख को जो आपने मुकर्रर की थी फांसी की सजा, तो इस फांसी को आप कारावास में तब्दील कीजिए, इसको रोकिए। तो अभी चूंकि 2 दिन बचा है, छटपटाहट काफी है, काफी गर्माहट है, छटपटाहट है और लोगों का होश खत्म है, यानी दिन का चैन और रात की नींद खत्म है, और क्षमा पे क्षमा मांगा जा रहा है और याचिका पे याचिका। इसको कहते हैं गिरगिराना। वो दिन भूल गए जिस समय निर्भया का रेप किया था, उसका बलात्कार किया था, वो भी गिरगिराई होगी, तो उस समय क्यों नहीं सुने? क्या अधिकार था निर्भया को हत्या कर देने का या उसका बलात्कार कर देने का? समझ में नहीं आया था उस समय इन दोषियों को? कभी कभी मेरे को भी मन करता है, कभी कभी मुझे भी दे आता है कि नहीं, इनको क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन इतना जघन्य अपराध क्या क्षमा करना चाहिए? और अगर क्षमा ही करते रहना चाहिए तो इसी तरह बलात्कार होता रहेगा और किसी को भी ये डर, अभी जो डर सता रहा है, लगभग इतने साल वो जेल में रहे, पल पल मर रहे हैं, जब जब डेट आ रही है फांसी की तब तक वो उतने दिन सोते नहीं है, और उनका दिमाग का क्या हालत होगा वो तो कहना मुश्किल है। भगवान ना करे किसी को ऐसी बुद्धि हो जो वही रास्ते चले। अभी हैदराबाद में आप देख लीजिए कि इसके बाद के कारण में ही हैदराबाद में ये चीजें हुई थी। तो लड़के कहाँ रुक रहे हैं, न रुक रहा है, भयावह उतना ही है, गिरगिराहट उतना ही। अभी देखिए कुछ कदम बाकी है होली को, एक तरफ होली का चहल पहल है, निर्भया की माँ भी सोच रही है कि इसी होली का दहन में तुम्हारी हर चीजें दहन हो जाए, उसके पहले दहन हो जाए, ताकि हम भी सोचेंगे कि हम होली का उत्सव ढंग से मना पाएंगे, ताकि मेरी बेटी को एक सुकून मिले, तसल्ली मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। और इधर छटपटाहट है कि हाँ मुझे फांसी की सजा बंद कर दी जाए। क्यों भाई, आपने जघन्य अपराध किया, आपको पता नहीं था हमारा कानून कितना मजबूत है? कानून सोया नहीं है, हमारा कोर्ट सोया नहीं है, जागा हुआ है, ऐसा नहीं। हाँ, आपका चीज अगर अपराध सामने आएगा तो फांसी की सजा भी मिलेगी, ये पहले सोचना होगा अपराध करने के पहले। ऐसा नहीं कि हम कर लेंगे, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो लीजिए, आज आप जेल में पड़े हुए हैं। और जहां तक आपको वकील की बात करें तो अपील का तो बचाव पक्ष होता है, वो तो पूरी ताकत लगाएंगे बचने का, आप जहां तक बच सकिए। तो हम वकील साहब को तो कुछ कहेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अपने प्रोफेशन में हर इंसान को ईमानदार होना चाहिए, वो अपना ईमानदारी की पढ़ाई पढ़े, अपना ईमानदारी उनको लोगों ने बीरा किया, वो झूठ बोल के या सच बोल के अपने क्लाइंट को बचाने का काम करें। लेकिन सवाल यहां पे है 4 का, पवन गुप्ता आज कह रहे हैं मैं नाबालिग था उस समय। तो नाबालिग अगर थे तो एक छोटा बच्चा भी शोर मचाता है, अगर किसी पे कोई अपराध करता हो, 3 आदमी अगर बालिग था, अपराध कर रहा था, तो क्यों नहीं आप रोके, क्यों नहीं मारपीट किया, वो क्यों नहीं हटाने की कोशिश की, क्यों नहीं निर्भया को बचाने की कोशिश की? एक भाई बन जाते ना, आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा या आपकी पत्नी या आपके परिवार के साथ, क्या आप चुप रहेंगे, नहीं रहेंगे, शोर नहीं बचाएंगे, या ड्राइवर को कुछ नहीं करेंगे? तो आप भी उसमें सम्मिलित हुए, क्योंकि बालिक से क्या होता है, आपके 14 वर्ष से भी कम थे, 13 वर्ष, आप कितने वर्ष के थे, 2 वर्ष के बच्चे थे, गोद में खिलाने लायक बच्चे थे, नहीं थे। आज 14 वर्ष के बच्चे से भी कम बच्चों को हम बड़ा मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि आज टीवी देख करके और नेट का जमाना देख देख करके छोटे, आज छोटे बच्चे बच्चे कहाँ रहे, वो तो बड़े बन गए। तो आप बड़े छोटे नहीं थे, आज गिरगिरा रहे हैं, वो गिरगिराहट को याद कीजिएगा जिस दिन निर्भया आपके सामने गिरगिराई थी। तो ये तो बात उनकी है, यहाँ दिन पर दिन रो रही है निर्भया की माँ, कब होगा? और आज भी बिलक बिलक कर रो रही है कि 3 तारीख भी गुजर ना जाए, तो पता नहीं कब इनको मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अपराध की दुनिया में हम जाए तो जाए क्यों? हमारे पास बहुत सारा विकल्प है, क्यों उस रास्ते हम जाएं किसी का रेप करें और हमको उम्र कैद का सजा मिले? आज फिर हम आपको बता देते 2 दिन के बाद, अभी 2 दिन पहले एक सामने लड़की से किसी की शादी हुई होगी, पहले तो उसको मार दिया गया, उसकी सास ने उसकी हत्या कर दी, क्यों? कि बहू सामने थी और अभी जेल में चक्की पीस रही है। उनके पति को भी पकड़ा गया था तो उनके पति ने साक्ष्य दिया कि आप पता कर लीजिए, क्योंकि आज तो हर जगह सीसी कैमरा है, तो पता कर लिया गया कि जहां वो जॉब करते थे वहां इस शहर में वो थे ही नहीं। तो पति तो बच गए, अब उनके देवर भी बच गए, चली गई सास जी। तो अरे, आपको उस लड़की के साथ जीना था जिसको जीना था, आपके बेटे को जीना था, बेटा खुश था, तो बीच में आपको पढ़ने की
जरूरत क्या थी, तो चक्की चले गए। तो लोग ये जो सोच रहा है ना कि हिंदुस्तान का कानून या हिंदुस्तान की चीजें कोर्ट ये सब लुटेरे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको अपराध अगर आपका देखा जाएगा तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही। अभी विधायक का भी हाल देख लीजिए, अभी विधायक जो थे वो भी सस्पेंड हो चुके हैं, अब तो वो कभी चुनाव लड़ नहीं पाएंगे और उनको उम्र कैद की कारावास उनको मिली है, अब सजा वो भुगत रहे हैं। तो जब विधायक नहीं बच रहे हैं, मंत्री नहीं बच रहे हैं, तो आप ये जो चार दोषी वो कैसे बच जाएंगे? आज ना कल जी लीजिए, दो चार जिंदगी और दिन जी लीजिए, दो चार महीने जी लीजिए, लेकिन निर्भया का जो आत्मा रोया था ना, कल्पना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा और उसकी माँ का भी कल्पना आपको पड़ेगा, ये मत भूलिए। और सबको मैं बता रही हूँ, वो महिला हो या वो पुरुष हो, जुर्म करना अपराध करना बंद करिए और सही रास्ते से आगे बढ़िए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, जहाँ बहुत बहुत ऊंचे सिंहासन पे आप मेहनत करके पहुंच सकते हैं। भाग्य पर भी भरोसा रखिए और वैसे कर्म करने से और दूसरे के सहयोगी में अपराध करने से बचिए, वैसे दोस्तों कहाँ छोड़ दिए जहाँ अपराध हो। तो ये पवन गुप्ता आज बोल रहे हैं, मैं तो बालिक था, आप बालिक थे, कहाँ से बालिक थे? अगर बालिक होते तो क्यों आप भी उसको आपका भी बलात्कार में उतना ही आता। कहते हैं जुर्म करने वाला और जुर्म देखने वाला दोनों या करवाने वाला बराबर का हकदार होता है अपराध का। तो आपको पवन कैसे कहा जाए कि आप उस समय 7 साल पहले आप बच्चे थे? नहीं बच्चे थे, एक छोटा बच्चा भी चिल्लाता है, क्यों नहीं चिल्ला है? आप तो उस समय कुछ नहीं किए, हाँ पुलिस को सच्चाई बता भी देते कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे हुआ, तो भी आप क्षमा के कबूलते। अगर निर्भया को फेंक दिया गया था, आप भी उस पर से कूद जाते और उसको हॉस्पिटल ले जाते, तो आपका एक बचाव था। लेकिन काहे का बचाव, किस लिए? अब आपको याद आ रहा है, कितना दया। जरूर आपकी माँ के लिए मुझे सिंपैथी है कि एक माँ माँ होती है, लेकिन आप अपराध किए तो भोगना तो पड़ेगा ही ना, और आपसे पूरी दुनिया सबक लेगी। खैर, कहना तो यही था लोगों से भी कि अपराध मत कीजिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपने आप को मजिए, चमकाइए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत रंग लाती है, भले ही आहिस्ता आहिस्ता रंग लाए लेकिन लाती जरूर है। लेकिन अपराध की दुनिया में कदम मत डालिए, अपराध काला होता है, मेहनत सूर्य की रोशनी की तरह चमकता है, व्हाइट होता है। हाँ, थोड़ी कमी मिलेगी, तकलीफ जरूर होगा, क्योंकि मेहनत करने से तकलीफ होती है तब पैसे आते हैं, और अपराध से 2 मिनट में पैसा आता है, लेकिन 2 मिनट का पैसा आपको किस गर्दिश में डाल देगा, किस कुएं में डाल देगा, जहाँ से उबर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें बचना चाहिए हमें, आपको, हम सबको, और सोचना चाहिए कि हमको जो कदम हम उठा रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा। बस आपसे बस इतना ही कहना था कि आज उन लोग का नींद भी खत्म है और चैन भी खत्म है, 2 दिन बचा हुआ है, देखना ये 3 तारीख को क्या होता है। जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे।